हाय गाइस, पीसी स्टडी पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोलोइड्स के जो गुण थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी, कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे कोलोइड्स का रक्षण और उसके बाद में स्टार्ट करेंगे पायस। पायस के आज अपन पढ़ेंगे प्रकार, फिर पायस का बचा हुआ टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में। अब बस थोड़ा ही और बचा है कोलोइड, आने वाले एक या दो वीडियोज में अपना जो कोलोइड है चैप्टर है कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टॉपिक पायस और पायस के बाद में अपना एक टॉपिक और बचेगा कोलाइड्स के अनुप्रयोग। ज्यादा लंबा चैप्टर अब नहीं बचा अपने पास में। सबसे पहले अपन देखेंगे कोलाइड का रक्षण, उसके बाद में अपन देखते हैं पायस क्या होता है और पायस के प्रकार। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके प्लीज बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखिए कोलाइड्स का रक्षण क्या होता है। कोलाइड्स के रक्षण करने की जरूरत पड़ती है अपने को केवल द्रव विरागी कोलाइड में, क्योंकि द्रव विरागी कोलाइड है वो तो पहले से ही सुरक्षित ही होता है, स्थायी होता है। द्रव विरागी कोलाइड है ये स्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी होता है। तो इसको अपने को रक्षित करने की जरूरत है। ये कुछ समय पश्चात अपने आप ही स्कंदित हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा, तो अपने को इसको बचा करके रखना है। उसी प्रक्रिया को अपन बोलेंगे कोलाइड का रक्षण। अब बचाने के लिए क्या करें अपन, आप इस द्रव विरागी, जैसे ये मान लीजिए कोई द्रव विरागी कोलाइड का कण है, ये द्रव विरागी कोलाइड के कण है। द्रव विरागी कोलाइड में स्कंदन से बचाने के लिए आप इसमें या तो विद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा मिला सकते हैं, यह अपने पहले भी देखा था, या फिर एक सीधा सा सरल सा तरीका यह है कि आप किसी दूसरे द्रव रागी कोलाइड की थोड़ी सी मात्रा इसमें मिला दीजिए। द्रव विरागी कोलाइड में थोड़ी सी मात्रा द्रव रागी कोलाइड की मिला दीजिए, उसके बाद में जो द्रव विरागी कोलाइड है वो स्थायी हो जाएगा। उसके बाद में वो कभी भी अपने आप स्कंदित नहीं होगा। कैसे नहीं होगा ये देखिए, यहां क्यों नहीं होगा, आपने क्या किया, जैसे ये द्रव विरागी कोलाइड है और ये माध्यम, अब ये माध्यम के साथ में प्रतिकर्षित हो रहा है। इसका मेन कारण ये है कि माध्यम से प्रतिकर्षित हो रहा है, प्रतिकर्षण के कारण ये नीचे आकर के स्कंदित हो जाता है, जमा हो जाता है। तो अपन इसमें क्या करते हैं, बाहर से द्रव रागी कोलाइड मिलाते हैं। द्रव रागी कोलाइड जैसे मिलाओगे तो अपन जानते हैं कोलाइड एक बढ़िया अधिशोषक होता है। बढ़िया अधिशोषक होने के कारण ये क्या करेगा, द्रव रागी कोलाइड है उसको अपनी सतह पर चारों तरफ इस तरह से अधिशोषित कर लेगा। ये लीजिए, इस द्रव विरागी कोलाइड के चारों तरफ किसकी परत बन गई है, द्रव रागी की परत बन गई है। ये लीजिए, अब ये स्थायी हो गए। अंदर तो क्या है, द्रव विरागी, बाहर कौन है, द्रव रागी कोलाइड। द्रव रागी है तो अब ये जो बाहर आपका माध्यम है इसके साथ में कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा बल्कि आकर्षण होगा, क्योंकि जो प्रतिकर्षण करने वाला था द्रव विरागी वो तो अंदर रह गया, बाहर बचा है द्रव रागी कोलाइड। तो ये माध्यम के साथ में क्या करेगा, आकर्षण प्रतिष्ठित करेगा और आकर्षण बल के कारण अब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, स्थायी हो गया। तो इस द्रव विरागी कोलाइड को स्थायी करने के लिए आपने बाहर से क्या मिला दिया, द्रव रागी कोलाइड मिला दिया, इसकी सुरक्षा, इसकी रक्षा करने के लिए। इसलिए आपने बाहर से जो द्रव रागी कोलाइड मिलाया है, इस द्रव रागी कोलाइड को आप रक्षी कोलाइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस द्रव विरागी की रक्षा कौन कर रहा है, ये द्रव, सॉरी, इस द्रव विरागी कोलाइड की रक्षा कौन कर रहा है, ये द्रव रागी तो कर रहा है, इसलिए अपन इस द्रव रागी कोलाइड को क्या कहेंगे, रक्षी कोलाइड। ये तो होता है कोलाइड का रक्षण। रक्षण से संबंधित एक चीज आती है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। देखिए क्या होता है, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर, ये अपने पास में मान लीजिए एक कोलोइड है, गोल्ड धातु AU सोल, और ये अपने पास में है 10 ml गोल्ड का जो सोल होता है उसको KCl पर्पल नाम से भी जानते हैं, पर्पल कलर का होता है इसलिए इसको केसीएल पर्पल नाम से भी जाना जाता है, गोल्ड सोल, ध्यान रखना 10 ml गोल्ड का सोल है। अब इसको अपने को क्या करना है, इसको स्कंदित करने के लिए मैं बाहर से मिला रहा हूं NaCl का विलयन। NaCl विद्युत अपघट्य है, उसको पानी में घोल करके मैंने विलयन तैयार कर लिया है और वो विलयन इसमें मिलाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। NaCl का विलयन है, 10% सांद्रता वाला विलयन है, यानी 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक घोल करके हमने विलयन तैयार किया। यह विलयन आपको मिलाना कितना है, इसमें मात्र 1 ml,
समझ गए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये NaCl का विलयन है 10% सांद्रता वाला, 1 ml विलयन मिलाएंगे तो अपना जो गोल्ड सोल है 10 ml है इसका स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि स्कंदन नहीं हो तो इसके लिए आपको इसमें कोई रक्सी कोलाइड मिलाना पड़ेगा, क्या मिलाना पड़ेगा, कोई दूसरा रक्सी कोलाइड मिलाना पड़ेगा, या विद्युत अपघटे वगैरह, या तो आप मिलाएंगे विद्युत अपघटे या मिलाएंगे आप रक्सी कोलाइड। अब उस NaCl के विलयन से इसको स्कंदित होने से बचाना है, इसके लिए रक्सी कोलाइड की कितनी मात्रा मिलाएं, इसकी कितनी मात्रा मिलानी है अपने को, उसी मात्रा को कहते हैं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या। इसको अब आप देखो शब्दों में डालेंगे, प्रोसीजर समझ में आ गया। 10 ml का गोल्ड सोल था, उसमें मैंने 10% सांद्रता वाला NaCl का 1 ml विलयन मिलाया है उसको स्कंदित करने के लिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये स्कंदित नहीं हो, इसके लिए आपने क्या कर दिया, इसमें इसको स्कंदन से बचाने के लिए रक्सी कोलाइड मिला दिया। अब स्कंदन से बचाने के लिए रक्सी कोलाइड की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी उसी को अपन कहेंगे स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। अर्थात गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, 10 ml AU सोल को 10% सांद्रता वाले 1 ml NaCl के विलयन से स्कंदित होने से बचाने के लिए, स्कंदित होने से बचाने के लिए आवश्यक विद्युत अपघटे या रक्सी कोलाइड की मात्रा, आवश्यक विद्युत अपघटे या रक्सी कोलाइड की मात्रा गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहलाती है। ये है गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या। इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये विद्युत अपघटे या आप रक्सी कोलाइड जो भी मिलाए जिसकी भी जरूरत हो आप वो मिला सकते हैं। सबसे बढ़िया जिलेटिन, जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर है वो सबसे कम होता है, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा, कम होने का मतलब आपको थोड़ा कम मिलाना पड़ेगा, जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा आप ये ध्यान में रखिए वो रक्सी कोलाइड उतना ही बढ़िया है, उतना ही प्रबल है। इसका गोल्ड नंबर जो होता है, सॉरी जिलेटिन का गोल्ड नंबर होता है 0.005, जिलेटिन का गोल्ड नंबर बहुत ही कम, सबसे कम होता है जिलेटिन। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर अपने जो एक प्रोटीन होती है केसीन नाम की प्रोटीन, 0.01। फिर इसके अलावा आप नॉर्मली एग्जांपल्स ध्यान में रखने, सबसे कम वाले आपको दो एग्जांपल ध्यान में रखने, जिलेटिन की गोल्ड नंबर सबसे कम होते हैं 0.005, फिर केसीन की 0.01। फिर इसके बाद में आप कोई भी एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे अंडे की जर्दी होती है, आलू की जो स्टार्च होता है वो भी होता है, ये ध्यान में रखेंगे। एक अंडे की जो जर्दी होती है इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर का जो सोल होता है यानी चांदी का कोलाइड, चांदी के कोलाइड में रक्सी कोलाइड के रूप में, चांदी का जो एजी सोल होता है ये द्रव विरागी होता है, और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है विद्युत अपघटे बोल सकते हैं आप, या द्रव रागी कोलाइड होता है वो होता है अंडे की जर्दी, ये ध्यान में रखना, एजी सोल के लिए ये काम में आता है। तो ये तो हुआ कोलाइड का रक्षण और रक्षण से संबंधित गोल्ड नंबर। अब अपन बात करते हैं पायस की, पायस का दूसरा नाम होता है इमल्सन, किसे कहते हैं, आपका पहले भी नाम सुना होगा पायस या इमल्सन, इसी चैप्टर में आया, याद कीजिए क्या होता है पायस या इमल्सन। जब द्रव्य माध्यम में द्रव्य प्रावस्था को मिलाकर के कोलाइड बनाया जाता है तो उसको इमल्सन या पायस बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था दूध, मिल्क, द्रव्य माध्यम यानी आपका जो विलायक है वो और जो विलेय है वो दोनों जो मिला रहे हैं वो दोनों ही कैसे होने चाहिए, लिक्विड होने चाहिए, लिक्विड में लिक्विड को मिलाकर के कोलाइड बनाना है, तो जो कोलाइड बनेगा उसको अपन कहेंगे इमल्सन या पायस कोलाइड बोलेंगे उसको। ये दो प्रकार के होते हैं। देखो बनता कैसे, बनाने का इसको एकदम सीधा सा तरीका है, जैसे आप पानी और तेल को एक जगह मिक्स कर लीजिए, जैसे अपन बालों में तेल डालते हैं, मान लीजिए सरसों का तेल आप डाल रहे हैं, तो 2 बूंद पानी के लीजिए और 2 बूंद उसमें सरसों का तेल मिलाइए और उसको आप अच्छी तरह से रगड़िए। जब आप उसको अच्छी तरह से रगड़ेंगे तो आपके जो हाथ हैं जो मिक्स कर रहे थे वहां पर आपको सफेद सफेद कलर का ऐसे झाग से बने हुए दिखते हैं थोड़े थोड़े से, वो वास्तव में झाग नहीं है, वो पायस बन गया, पानी और तेल दोनों मिलकर के उनका पायस या इमल्सन तैयार हो गया।
तो इमल्सन या पायस बनाने के लिए अपने को पानी और तेल इन दोनों को एक जगह क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। इसी बेस पर जो पायस है ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, तेल में जल, लेकिन नाम से स्पष्ट हो जाएगा ये, तेल में जल। और नंबर दो होगा जल में तेल। ये दो प्रकार के पायस बनेंगे, अर्थात इस पायस में तेल में क्या मिलाना है, जल मिलाना है। तेल में जल यानी माध्यम कौन हो गया, माध्यम तो हो गया अपना तेल, और प्रावस्था कौन हो गई, प्रावस्था हो गया पानी। तेल में जल मिलाया अपन ने, यानी जल तो हो गया विलेय पदार्थ और तेल क्या हो गया, विलेय। या इसको आप बोल सकते हैं वाटर इन ऑयल, भाई पानी को मिला रहे हैं ना तेल में, वाटर इन ऑयल, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये समझ में आ गया तो आपको दूसरा पता चल गया होगा, इस बार जल में क्या मिलाना है, तेल, ऑयल इन वाटर, यहां पर भी बता देंगे आप। बस आपको इतना ही बताना है, जल प्रावस्था को तेलीय माध्यम में विलय करके जो कोलाइड तैयार कर किया जाता है उसको तेल में जल बोलते हैं, और तेल प्रावस्था को जल माध्यम में मिला करके जो कोलाइड तैयार किया जाता है उसे ऑयल इन वाटर या जल में तेल कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के अपने एकदम से सीधे सीधे पायस के दो प्रकार है, नॉर्मली आप इसको बता सकते हैं, तेल में जल। इसके एग्जाम्पल्स, क्रीम वगैरह जितने भी आते हैं वो सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। कोई भी क्रीम, लोशन, अगर आपको नाम ध्यान में वही आप इसका उदाहरण बता सकते हैं। कोई भी क्रीम है, मक्खन वगैरह है, वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं मक्खन, क्रीम, कोई भी आपको क्रीम ध्यान में नाम याद ध्यान में आ रहा है, जैसे कोल्ड क्रीम, तो कोल्ड क्रीम तेल में जल का उदाहरण हो गया, कोल्ड लिवर ऑयल, इस तरह के एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हैं। दूसरा, जल में तेल, इसका एग्जाम्पल आप सीधा से ध्यान में रख सकते हैं दूध, और एक वेसनिंग क्रीम, वेसनिंग क्रीम इसका उदाहरण होता है। ये दोनों के आपको एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हैं, ये भी ध्यान में रख लें। तो इसी के साथ में अपना इमल्सन या जो पायस टॉपिक था उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कंप्लीट हुआ है। इसके बारे में, इसके पहचान, इसके गुण वगैरह है, इसके अनुप्रयोग, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पायस है या इमल्सन है इसको कंप्लीट करेंगे अपन। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।